ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਲੇਟਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਕਿਹਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ 7.7% ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ। आमदन कर विभाग वालों कांग्रेस नाल संबंधित संसद मैंबर साहू के ठिकाने उत्ते छापेमारी जारी। हुण तक तकरीबन 225 करोड़ रुपए की नकदी की गई बरामद। तेलंगाना विच रेवंत रेड्डी की कैबिनेट का विस्तार, 11 मंत्री नूं वंडे गए विभाग। तेलंगाना विच मुख्यमंत्री बने ने रेवंत रेड्डी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा वित्तीय साल के पहले 6 महीने में भारत की कुल घरेलू उत्पाद GDP की 7.7% वाधा दर नाल देश मजबूत हो रहा है तो देश की आर्थिकता पिछले 10 सालों में किए गए परिवर्तनशील सुधारों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित इनफिनिटी फोरम 2.0 की कानफ्रेंस को वीडियो कानफ्रेंसिंग राही संबोधन करदे होए कहा कि उन्होंने सरकार गुजरात इंटरशनल फाइनांस टैक्स सिटी नूं नवे युग दी ग्लोबल वित्ती अते तकनोलॉजी सेवावां दा ग्लोबल हब बनाउणा चाहुंदी है। PM मोदी ने अपने संबोधन विच कहा कि चालू वित्तीय साल के पहले 6 महीने विच भारत ने 7.7% की GDP विकास दर हासिल की है। अज पूरी दुनिया दी उम्मीदां भारत उत्ते टिकियां होईयां ने ते सिर्फ अपने आप ही नहीं होया, ये भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था अते पिछले 10 सालों में किए गए परिवर्तनशील सुधारों का प्रतिबिंब है। एक शराब बनाने वाली कंपनी के खिलाफ टैक्स चोरी के मामले में झारखंड और उड़ीसा में कई थावां उत्ते आमदन कर विभाग की छापेमारी अज चौथे दिन भी जारी रही। आमदन कर अधिकारी ने हुण तक नकदी नाल भरे 156 बैग बरामद किए ने, जिन्हां विच 225 करोड़ रुपए तो वध दी नकदी बरामद की गई है। इनकम टैक्स विभाग नाल जुड़े सूत्रों मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारियों की एक टीम शनिवार सवेरे रांची स्थित धीरज साहू के घर तो 3 बैग लैके रवाना हुई। सूत्रों मुताबिक ये बैग साहू के घरों बरामद किए गहणियां नाल भरे हुए सन। आमदन कर विभाग ने संबलपुर, बोलांगीर, तीतीलागढ़, सुंदरगढ़ समेत कई अहम ठिकाणों पर छापेमारी की। इस छापेमारी संबंधी शराब का कारोबार करने वाली कंपनी ने अजे तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक जदों झारखंड तो कांग्रेस के राज्यसभा मैंबर धीरज साहू, जिसके कथित तौर पर शराब कंपनी के संबंध ने, संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मोबाइल फोन बंद पाया गया। रांची स्थित उन्होंने दफ्तर में कर्मचारी ने दस्सिया कि MP इत्थे मौजूद नहीं ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नवी कैबिनेट में 11 मंत्रियों के सहुं चुक लैण तो 2 दिन बाद उन्होंने विभाग वंड दिते ने। रेड्डी ने नगरपालिका प्रशासन और शहरी विभाग, आम प्रशासन, कानून व्यवस्था और होर विभाग अपने कोल रखे ने। उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमाकर मल्लू नूं वित्त, योजना और ऊर्जा विभाग दिता गया। पटियाला तो विधायक अजीतपाल सिंह कोली ने अग्रवाल समाज की चरोकणी मंग पूरी करदिआं पोलो ग्राउंड और साई मार्केट नेड़े नगर निगम वालों नवें बनाए गए महाराजा अगर सिंह चौक का उद्घाटन करके पटियालवियां नूं समर्पित किया। उन्होंने नाल डिप्टी कमिश्नर पटियाला साक्षी सानी अग्रवाल समाज के वड्डी गिणती नुमाइंदे और होर पतवंते मौजूद सन। इस मौके विधायक अजीतपाल सिंह कोली ने कहा कि उन्होंने खुशकिस्मती है कि चौक मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई हेठली पंजाब सरकार वालों बना के महाराजा अगर सिंह जी के नाम से पटियाला वासियों ते खास करके समाज की तरक्की और खुशहाली अहम योगदान पा रहे अग्रवाल समाज और पूरी मनुखता को समर्पित किया गया। मैं खुशकिस्मत समझदा अपने आप में। ये तरस है परमात्मा का जिहड़ा अज पटियाले शहर दे विच महाराज अगर सिंह जी के नाम से जिहड़ा चौंक बड़े चिर तो अज तो मेरे ख्याल तकरीबन 15 साल पहला ये चौंक उन्होंने समर्पित किया गया सी। बट फॉर सम रीजन इत्थे जिहड़ा हैगा वो मोन्यूमेंट वो नहीं बन सकिया। सो अज जिहड़ा हैगा एक चौंक तुसीं देखिया है भी बड़ी रूह दे नाल असी ये जिहड़ा है सिर्फ अग्रवाल समाज नूं समर्पित नहीं कीता, ये पूरी मनुखता नूं समर्पित कीता। बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी सीगी और मैं समझदा हाँ भी ये एक जिहड़ा हैगा शहर दे विच इट विल जिमें फुहारा चौंक है जी साडा एक आइकन है, इसे तरह ये चौंक भी जिहड़ा है शहर दे विच जिहड़ा एक आइकन बन जाएगा जी। सर होर चौंका दी गल कीती आवे कि होर प्रोजेक्ट भी लग रहे। देखो शहर की खूबसूरती दे विच प्लैनिंग दे विच जिहड़ा हैगा ये रोड दो चीज़ां ने, खूबसूरती भी ध्यान च रखी जा रही है ते नाल नाल ट्रैफिक दा जिहड़ा हैगा ਉਹ ਡੀਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਅਰ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸਕੂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ कीमत वाली जमीन उत्ते लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत नाल बनिया यह बस स्टैंड शुरू ना होने कारण सिर्फ चिट्टा हाथी साबित हो रहा है, जिसका लोगों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा, जबकि बसों में सफर करने वाले मुसाफरों को परेशानी का सामना करना पैंदा है। जिक्रयोग है कि नवे बने बस स्टैंड की शानदार बिल्डिंग की उसारी मंडी बोर्ड वालों की गई सी, इसके लिए नगर कौंसल वालों तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई सी। इस संबंधी हलका विधायक नरिंदरपाल सिंह सवना का कहना है कि पिछली सरकार के अधूरे कामों करके बस स्टैंड शुरू नहीं हो सकिया। उन्हें कहा कि कांग्रेस की सरकार समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों अधूरे पाए बस स्टैंड का उद्घाटन कर दिता गया। विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार लोगों के पैसे इस तरह बर्बाद नहीं होने देगी तो नवे बने बस स्टैंड में जो खामियां ने उन्होंने दूर करके नवे बने बस स्टैंड को जल्द तो जल्द चालू करवाया जाएगा। सरकार कांग्रेस की जो पिछली सी कोई भी उन्होंने काम प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया, सारे काम अधूरे किए। जो पिछली सरकार के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी फाजिलका आए सी, उन्होंने देखो अधूरे बस स्टैंड का उद्घाटन करता, ना तो उत्थे देखो कोई वर्कशॉप सी, ना ही डीजल पंप सी, ना ही कोई उत्थे कोई चंगे दफ्तर बनाए गए सी, कोई प्लानिंग के नाल दफ्तर नहीं बनाया गया। और जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उन्होंने नाल भी कोई भी राबता कायम नहीं किया गया। जो बस स्टैंड बनाया गया तो ट्रांसपोर्ट विभाग है जिहड़ा इन्हां दे अधिकारी ने, उन्हों का यह कहना सीगा उस वक्त कि जिहड़ा साडा जिहड़ा बस स्टैंड बनिया साडे कोल पुछया नहीं गया इहदे विच की होना चाहिए जरूरत। तुसीं देखिया होना उस दिन जिहड़ा पत्थर ते जदों उद्घाटन दा करके चन्नी साहब, पर एक भी बस बस स्टैंड के अंदर नहीं आई। उन्होंने उस समय ही मुख्यमंत्री साहब ने जो पिछले सीगे चन्नी जी उन्होंने जवाब देता सी उन्होंने अधिकारियों ने कि इन्हां बस स्टैंड दे विच असीं बसां नहीं लैके आउणियां, ये बस स्टैंड नूं जिहड़ा प्रॉपर तरीके नाल प्लानिंग नाल नहीं बनाया गया, ना ही जिहड़ी ट्रांसपोर्ट विभाग तो सलाह लई गई। मैं अज भी असीं डीसी साहब और मैं जाके आए हाँ बस स्टैंड ते सारा चैक करके आए हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੌੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, जिस दौरान इस मामले संबंधी गलबात करने लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मुलाकात लई समा मंगण लई पत्र लिखण की गल कही गई। इस संबंधी पत्रकारां नाल गलबात करदे एडवोकेट हरजिंद्र सिंह धामी ने कहा कि भाई राजौड़ा नूं फांसी की सज़ा मिली सी, जिसनूं उम्र कैद विच तब्दील करवाउणा सिखां दा कौमी अते संवेदनशील फर्ज है। उन्हां स्पष्ट कीता कि इस मामले नूं लैके सरकार नाल टकरार करना नहीं चाहुंदे, बल्कि असीं इंसाफ मंग रहे हां, इसलिए 5 मैंबरी कमेटी बकायदा यतन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह पोलर और भाई बलवंत सिंह खैड़ा समेत समूह बंदी सिंह की रिहाई लिए यतन किए जाएंगे। अज की बैठक में कमेटी के प्रधान धामी तो इलावा वफद के मैंबर डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द, सरदार हरमीत सिंह कालका, बीबी कमलदीप कौर राजौड़ा और बिरसा सिंह बलटोहा शामिल सन। सिंह साहबान ने फिर एक आदेश किया कि तुसीं आ 5 मैंबरी असी कमेटी एक बना दी आ जिन्ने 5 मैंबर बैठे जिन्हां च बहुत सत्कारयोग सरदार हरमीत सिंह कालका दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, सरदार बरजिंदर सिंह जी हमदर्द जिहड़े पंजाब दे नाल लंबे अरसे तो हर एक पक्ष तो पंजाबी नूं होवे चाहे सिक्खी दी गल हर एक पक्ष तो भरपूर अपना योगदान पाउंदे ओ मैंबर सी। सरदार बिरसा सिंह बलटोहा वो साडे सत्कार मैंबर, नाल साडी भैन बीबी कमलदीप कौर जी। आ जिहड़ी कमेटी बैठी है अपने तौर पर नहीं बनी, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਆਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਜੂਸ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਸ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੋਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਲਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੈੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਚੋਂ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟਸ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ IAS ਅਤੇ SSP ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀਜਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਕੈਂਪ ਪੁਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਸਿੰਧੀ ਸੈੱਲ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਛਾਬੜਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜस्तवीर सिंह IAS, पंजाबी प्रमोशन काउंसिल के प्रधान जसवंत सिंह बॉबी, अदारा चढ़ती कला के चेयरमैन पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी, सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी, नरेंद्रपाल सिंह बख्शी, गुरिंदर बिंद्रा, भाजपा के पुणे चैंबर के प्रधान धीरज घाटे, आर्थर शैरी, एडवोकेट सोवी विपनीत सिंह, गुरप्रीत सिंह गोपल, मनिंदर सिंह पसीन, अमरिंदर सिंह अरोड़ा ने शमूलियत की और अपने विचार रखे। इस मौके पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने अपने संबोधन में अपनी जिंदगी के तजर्बे साझे किए ते वर्ल्ड सिख चैंबर नूं हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिता है। मैं 30 साल तो हिंदुस्तान की पार्लीमेंट लोक सभा ते राज सभा में बैठता हूँ और मैं पिछले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मोदी साहब, मैं इन्हां नाल अकंपनिंग डेलीगेशन दे विच जिस विच हिंदुस्तान के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जाते हैं, मैं परमानेंट मैंबर होने करके आई हैव गॉन अराउंड द ग्लोब विद ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड आई हैव मेट अबाउट 40 हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और मैं जिथे भी गया हाँ उत्थे सोचता हाँ कि इन देशों में साढ़े सिख किहड़ियां चीज़ों का बिजनेस करके तरक्की करके पैसा कमा सकते हैं। मैंने बड़िया वाहगुरू ने अपरचुनिटीज़ दित्तियां जो साड़ी चैंबर है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री दी, मैं उसका पिछले 40 साल तो डायरैक्टर हाँ। दिल्ली दे विच पार्लीमेंट के गेट के बाहर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सामने जो बिल्डिंग है INS बिल्डिंग, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बिल्डिंग, असी बांद्रा कुरला में भी हुण 1000 करोड़ रुपए की साड़ी सोसाइटी ने बिल्डिंग बनाई है और मैं 40 साल तो उसके बोर्ड का डायरैक्टर हाँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, एक्सप्रैस, साकाल, लोकमत और जितने भी बड़े अखबार हैं उन्होंने मालिकों का मैं कलीग हाँ और एग्जैक्टिव कमेटी का मैंबर हाँ। तो मैं पता लगता रहता है कि किस बिजनेस के विच किस तरह की अप डाउन हो रही है, क्योंकि मैं भी मीडिया हाउस का मालिक हाँ। चढ़ती कला टाइम टीवी दुनिया सब तो बड़ा पंजाबी का टीवी चैनल है। चढ़ती कला अखबार पंजाबी के पहले 4 बड़े अखबारों चो एक बड़ा अखबार है। इंडस्ट्री तो नहीं लेकिन एजुकेशन में भी मेरी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए के करीब है। 11 इंस्टीट्यूशन, 4 श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, कॉलेज, मिलेनियम स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, 11 स्कूल हैं जो मेरी सरदारनी जसविंदर कौर ये चेयर कर रही है तो चला रही है। तो इंडस्ट्री और बिजनेस के विच भी मैं जो काम किया है वो उसको एक्नॉलेज करके एजुकेशन और मीडिया के विच मैनू देश के राष्ट्रपति ने पद्म श्री का अवार्ड इसे करके दिता है कि मैं इंडस्ट्री में भी काम किया, बिजनेस में भी काम किया, मीडिया में भी काम किया, एजुकेशन में भी काम किया और मैं इसी करके अज तुहाडे चैंबर के फंक्शन में आया हाँ कि अगर मेरा मीडिया हाउस इस चैंबर के मैंबरों की किसी तरीके भी सपोर्ट कर सकता होए तां इसकी सेवा तुहाडे लई हाज़र है। और अज मैं तुहानूं एक गिफ्ट दे के जा रहा हाँ कि जिहड़े तुहाडे विचों एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहन उन्हां लई मैं गौरमेंट ऑफ इंडिया के एक सिख अफसर नूं हरमीत सिंह नूं नैक्सट मीटिंग में या जिस तरह भी तुसी उन्हां नाल गल करोगे तुहाडे कोल भेजांगा अते ओह तुहानूं रस्ते दसेगा कि किस तरह एक्सपोर्ट करके तुसी बहुत वधिया प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हो। इन्हां शब्दां नाल मैनूं अज बहुत अंदर दी खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी बिजनेस और इंडस्ट्री दे विच पिछले 60 साल काम कीता है। प्रोफैशन वजों मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हाँ, थापर इंजीनियरिंग कॉलेज का, और फिर मैं प्रोफैशन वजों जर्नलिस्ट बन गया। लेकिन वाहगुरू का शुक्र करता हाँ कि जिस काम में हथ पाया सतगुरु ने कामयाबियां दित्तियां। 500 के करीब डायरैक्ट इंपलायमेंट है साढ़े कोल साढ़े हैड ऑफिस विच और 1000 के करीब फील्ड दे विच लोग साढ़े मीडिया हाउस नाल जुड़े हुए पंजाब विच, हिंदुस्तान विच, सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। मीडिया के फील्ड दे विच जड़े भी तुहाडे बच्चे काम करना चाहन उन्हां लई भी जो मैं मदद कर सकां मैं जरूर करांगा। और मैं तुहाडे सारिआं नूं मुबारकबाद दिंदा हाँ कि तुहाडी चैंबर ने सिख कौम विच ओह कमाल का काम किया है जो महाराजा रणजीत सिंह तो बाद डॉक्टर जगजीत सिंह जी ने पंजाब एंड सिंध बैंक बना के किया सी। और उस तो बाद जो चीज़ा चीज़ा सिख अज बिजनेस के टॉप के उत्ते तुहाडे सहयोगी बन सकते हैं उन्हां दी लिस्ट ते किताब मैं तुहानूं भेंट करके जा रहा हाँ। और मैं आस करता हाँ कि इस किताब का जदों दूजा एडिशन आएगा और उस तुहाडी चैंबर के वध तो वध मैंबरां नूं मैं इंक्लूड करने लिए पूरी कोशिश करांगा। तो थैंक यू वेरी मच जी। थाणा त्रिपड़ी पटियाला अधीन पैंदे माइलस्टोन समार्ट स्कूल में अणपछाते व्यक्ति वालों भेजे गया धमकी भरिया पत्र मिले सी जिस विच उस वालों स्कूल नूं बंब नाल उड़ाउण दी धमकी दी गई सी ते नाल ही एक डुप्लीकेट यानी कि डमी बंब स्कूल के ग्राउंड में रखा गया से। इस संबंधी इतलाह मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की पड़ताल करनी शुरू की। एसपी डॉक्टर सरफराज आलम ने आज दस्सिया कि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करदे एक व्यक्ति जगमीत सिंह नूं गिरफ्तार किया है जिसने निजी रंजिश के चलदे इस वारदात नूं अंजाम दिता सी। अगस्त 2023 में होया सीगा त्रिपड़ी के एरिया माइलस्टोन समार्ट स्कूल उत्थे सानूं इनफॉर्मेशन मिली सी कि एक डमी टाइम बॉम्ब तो एक धमकी भरा पत्र ग्राउंड से पिया है। प्रॉम्प्टली एक्ट करते हुए सारे सीनियर अफसर डीएसपी सिटी 2 जसविंदर सिंह तिवाना एसएचओ त्रिपड़ी प्रदीप बाजवा तो होर इन्हां दी टीम मौके पर पहुँच गई। उत्थे मौके पर एंटी सैबोटेज टीम में बुलाया गया और एरिया को सैनिटाइज करते हुए प्रॉपर जो डमी टाइम बॉम्ब सीगा उसका मुलाजा किया गया बाद च उन्होंने डिफ्यूज किया गया तरीके नाल जो भी वायर वायर सी उन्होंने कट किया गया। ये बड़ा ही संगीन और सेंसेशनल टाइप की इंसीडेंट सी इस करके ये मुतलक सेक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया गया बिकॉज तुम देख सकते हो ऐसे इंसीडेंट तो स्कूल का रेपूटेशन खराब होता है स्टूडेंट के विचकार तो पेरेंट्स के विचकार दहशत का माहौल होता है क्योंकि जरा जो कंटेंट सीगा लेटर का डैट वॉज वेरी मतलब धमकी भरा सीगा उहदे विच खालिस्तानी एजेंडे नूं प्रमोट किया जा रहा सीगा स्कूल ते स्कूल के टीचर्स नूं बम तो उड़ाने की धमकी दी जा रही सीगी। ड्यूरिंग दिस टाइम इसी दरमियान 4 तो 5 बार ये इंसीडेंट होर हो गया। साडा सीक्रेट ऑपरेशन जारी सीगा स्कूल ते प्रोपर निगरानी की जा रही सीगी जिन्ने भी एरिया के CCTV ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ CCTV ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਸੀਗਾ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਬੋਮ ਮਿਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ DSP ਸਿਟੀ 2 ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ प्रोपर तरीके नाल देखा गया तो वो सानू एक हिंट मिली और उस तो बाद प्रोपर रूट मैप तैयार करके बहुत तरीके नाल बहुत मेहनत करके इस एक्यूज को ट्रेस किया गया। और तुसी देखोगे जो मौके पर टाइम बॉम्ब मिला सीगा इट वाज डमी सीगा बट बिल्कुल ओरिजिनल वांग दिखता सीगा। हाँ जी सर थोड़ा नीचे करो थोड़ा निकालो। ये रिगार्डिंग थाना त्रिपड़ी एफआईआर नंबर 400 अंडर सेक्शन 121A के 506 IPC दर्ज किया गया और एक्यूज्ड जगमीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी वालों अज लोक अदालत का आयोजन किया गया। CGM और जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के सकत्तर अमित कुमार गर्ग की अगवाई में लोक अदालत दौरान 20 बेंच लगाए गए जिस दौरान जलंधर में 17 बेंच लगाए गए जिन्हां विच 2 नकोदर और 1 फलौर लगाया गया। इस दौरान मानयोग जज ने दस्सिया कि तकरीबन 23,000 केसा विचों 20,000 केसा का निपटारा होने की संभावना है। इस विच चलान परिवारिक झगड़े बैंक रिकवरी और होर कई प्रकार के केस शामिल ने। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪਲਸਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 17 ਬੈਂਚਿਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ 1 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ 2 ਬੈਂਚ ਟੋਟਲ 20 ਬੈਂਚਿਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਤਲਬ 20,000 ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੇਸਿਸ ਆਊਟ ਆਫ 23,000 ਜੀ। सर टोटल किन्ने केस है तो किन्ने केसा का अज जो फाड़ा किया जाएगा जिमें मैं दस रहा ना कि लाइक टोटल टेकन अप केसिज हो 23,000 उस चो सानू 20,000 की सैटल होने की उम्मीद है। ओवरऑल विच रेवन्यू भी है विच कंज्यूमर कोर्ट्स के केसिज भी है बाकी साढ़े रेगुलर जोड़े कोर्ट्स रन कर रही उन्होंने है जिस वक् तरह के मैट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स ट्रैफिक चलान रिकवरी सूट्स कंपाउंडेबल केसिज अनट्रेस्ड रिपोर्ट्स जो जो इस दे दायरे चाहते हैं वो सारे लोक अदालत सानू उम्मीद है कि खत्म हो जाएंगे। जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी वालों कौमी कानूनी सेवा अथॉरिटी और पंजाब कानूनी सेवा अथॉरिटी के निर्देशों मुताबिक लगाई गई नैशनल लोक अदालत में 5000 के लगभग केसों का दोवें धिरां की सहमति के नाल निपटारा किया गया और मुआवजा दिवाया गया। जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला और सैशन जज अरुण गुप्ता ने नैशनल लोक अदालत बारे दस्सिया कि नैशनल लोक अदालत में जिला फतेहगढ़ साहिब में वध तो वध केसों का निपटारा करने लिए 10 बैंच गठित किए गए सन। जिला के सैशन जज ने दस्सिया कि नैशनल लोक अदालत में सारे प्रकारों नाल संबंधित केस जिवें कि राजीनामे योग फौजदारी केस, चैक बाउंस के केस, मोटर एक्सीडेंट केस, विवाहिक और परिवारिक झगड़ियां के केस, किरत मामलों के केस, दीवानी केस जिवें कि किराए संबंधी बैंक रिकवरी, रेवन्यू केस, बिजली और पानी के झगड़े ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ एक होर फायदा भी है कि जो कोर्ट फीस लगे होंगे, किसी पार्टी ने कोई रिकवरी सूट फाइल किया तो कोर्ट की फीस दी होंगी है वो भी उसनों वापस कर दी जाती है। असी हुणी हुणी जी फैमिली कोर्ट है उत्थे जज साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का फैसला हो सकन कि जोड़े विआहे हुए कपल हैगे है, जोड़े हैगे है वो घर बस सकन। बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जल्दी तो सस्ता इंसाफ मिल सके। जिला बार एसोसीएशन फतेहगढ़ साहब के नवे बने प्रधान एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी अपनी समूची टीम समेत शहीदों के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे मत्था टेकन पहुंचे और शानदार जित उत्ते परमात्मा का शुकराना किया। जिक्रयोग है कि एडवोकेट धारनी 5वीं बार बार एसोसीएशन श्री फतेहगढ़ साहब के प्रधान बने ने, श्रोमणी अकाली दल के बुलारे वजों अपनी सेवाएं भी निभा रहे हैं। इस मौके श्रोमणी अकाली दल के हलका इंचार्ज फतेहगढ़ साहब जगदीप सिंह चीमा और गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब के मैनेजर गुरदीप सिंह कंग वालों प्रधान एडवोकेट धारनी समेत समूची टीम का सिरपौ देकर सन्मान किया गया। सरकारी स्कूली बच्चों को मंच मुहैया करवाने के उद्देश्य नाल सिक्ख्या विकास मंच पंजाब वालों 11वां दो रोज़ा बाल मेला शहीद नायक जसविंदर सिंह सरकारी हाई स्कूल पिंड भड़ी पनैचा आयोजित किया गया। इस बाल मेले में भाषण, सुंदर लिखाई, चित्रकारी, शब्द गायन, कविता उच्चारण, कोरियोग्राफी, सोलो गीत, डांस गिद्धा, बोरी दौड़, रशाकशी के मुकाबले प्राइमरी और मिडल वर्ग के विद्यार्थियों के करवाए गए। इस मौके पर मंच के प्रधान जगजीत सिंह नौरा ने दस्सिया कि पूरे पंजाब में ये मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इस मौके मुख्य मेहमान वजों पंजाब पावनसरी कैनेडा के संस्थापक सुखी बाठ ने शिरकत की है कि यह एक बहुत वधिया उपराला है जिस नाल विद्यार्थी नूं मां बोली अपने सभ्याचार ते अपनी खेडां नाल जोड़िया जा रहा है। सारिआं नूं सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सुखी बाठ है जी। मेरा अपना एक मनना है कि जे आपां एक वधिया समाज सिरजना ते सानूं बच्चिआं नूं नाल लै के तुरना पऊगा। मैं अपने वल्लों पंजाब पावनसरी कैनेडा वल्लों पंजाब विच खास कर जिहड़े सरकारी स्कूल ने उन्हां दे नाल जुड़ के बच्चों के आत्म विश्वास पैदा करना, बच्चों के एक नवी सोच में पैदा करना, उन्होंने कॉन्फिडेंस पैदा करना, यदि कोशिश कर रहे हैं। जिहदे अज जो बाल मेला इत्थे हो रहा है ये सारी कमेटी का और इन्ने सारे बच्चे और इन्नी बखरी बखरे तरह के कंपीटिशन मैं शायद पहली बार वैसे वेखे ने। मैं इन्हों की सारी कमेटी नगर निवासियों इस स्कूल के मैनेजमेंट में सारियां बहुत बहुत मुबारक दिना, तो खासकर पेरेंट्स को मुबारक दिना जिहड़े अपने बच्चों नाल लैके स्कूलों के टीचर जिहड़े ने बच्चों नाल लैके इत्थे बड़ी दूरों दूरों आए ने। सो इहो जिहियां कोशिशां जे आपां करदे रहांगे कि अपना जो जे ना पक्षू समाज है जे उहनूं हां पक्षू करना है तो सानूं हर पहलू तो ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम नाल श्री गौर निताई रथ यात्रा कढ़ी जा रही है। इस संबंधी जानकारी दिंदे इस्कान अमृतसर के प्रधान इंद्रानुज दास, रथ यात्रा कमेटी के प्रधान पवन वर्मा ते स्वागत कमेटी के प्रधान जेपी खन्ना ने सांझे तौर पर दस्सिया कि 16 दिसंबर को अमृतसर विखे रथ यात्रा कढ़ी जाएगी। इस मौके आगुओं ने रथ यात्रा के होर वेरवे भी साझे किए। ये रथ यात्रा जो है इसमें गौर निताई भगवान का स्वरूप जो वैसे जगन्नाथ ही हैं एक तरीके से, उस स्वरूप की रथ यात्रा निकाली जाएगी 16 दिसंबर को और ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाम संघ इस्कॉन की ओर से निकाली जा रही है। इसकी जो जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी है उसकी आज बैठक हुई और उसमें सारे अहम मुद्दे पे चर्चा हुई, सारी ड्यूटियाँ बांटी गईं और बहुत बड़ा स्वरूप रथ यात्रा का निकलेगा। और इसमें विशेष तौर पर हमारे परम पूज्य हिज होलीनेस नवयुगेंद्र स्वामी जी महाराज वृंदावन से पधार रहे हैं 12 तारीख को, उनकी अध्यक्षता में उनके सानिध्य में ये यात्रा निकलेगी और लाखों हज़ारों की तादाद में इसमें देश विदेश से लोग भाग लेंगे। शहरवासियों से क्या अपील करते हैं? शहरवासियों से ये अपील है कि बढ़ चढ़ के भाग लें और ये एक तरीके से शांति, अमन, चैन और आपसी भाईचारे की यात्रा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसमें भाग ले सकते हैं और साथ में सब भगवान का जो पवित्र नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका सामूहिक जाप और कीर्तन जब सब लोग करेंगे तो उसके प्रभाव से शहर में शांति आएगी और सारा उपद्रव जो भी वातावरण चल रहा है सब समाप्त होएगा। बहुत सारी संकीर्तन मंडियां भाग लेंगी और रथ यात्रा के कार्यक्रम में प्रारंभ में और अंत में सबके लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, सब लोग प्रसाद लेंगे और पूरे ही इलाके में हर एक दुकानदार जो है बड़ा उत्साहित है, वो लंगर लगाएगा और स्वागत करेगा। तो जब भगवान गौर निताई उस रास्ता से निकलेंगे तब। ज्ञानी करतार सिंह यादगारी सरकारी कॉलेज टांडा विखे बॉलीवुड स्टार कलाकार विकी कौशल के पिता फिल्म एक्शन डायरैक्टर श्याम कौशल का विशेष सम्मान किया गया। टांडा के सरकारी कॉलेज 1970 के दहाके में पढ़ाई करने वाले श्याम कौशल का कॉलेज पहुंचने उत्ते प्रिंसीपल डॉक्टर शशि बाला समेत समूह स्टाफ मैंबर और विद्यार्थियों ने भरमा स्वागत किया। श्याम कौशल ने कॉलेज के संस्थापक ज्ञानी करतार सिंह जी के बुत उत्ते शरधा के फुल भी अर्पित किए। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं जाते आते नज़र मारदे मौसम के हाल ते तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्नवाद।